आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। बीजेपी नेता संकल्प पत्र की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जनता बीजेपी के घोषणा पत्र को किस तरह से देख रही है? करनाल में हमारे सहयोगी ने लोगों की राय ली है, देखिए उनकी रिपोर्ट। के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। कई तरह की घोषणाएं, कई तरह के ऐलान इस संकल्प पत्र के माध्यम से बीजेपी ने किए हैं। क्या कुछ कहना है युवाओं का, अलग अलग वर्गों का, बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में जान लेते हैं। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र, जो घोषणा पत्र है उनका, वो लेकर आई है। क्या लगता है कि क्या कुछ विजन है, क्या कुछ इफेक्ट जो है मतदाता पर इस पत्र का रहेगा? देखिए, हमने भी वो पढ़ा है और सुना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी टीवी पे सुना है बोलते हुए। उसमें सबसे बड़ी बात ये लगी कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, तो ये जो संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया है, मैनिफेस्टो, उसमें वो सारी चीज़ें दिखती हैं कि किस आधार पे वो ये दावा करते हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। विशेषकर जैसे उसमें एक बात जो हमें लगी कि मैं भी सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, तो सीनियर सिटीजन के लिए 70 साल की उम्र के बाद जो लोग होते हैं सीनियर सिटीजन, उनको अक्सर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम रहती ही रहती है उस उम्र में, और उनके पास अगर साधन ना हो, तो दवाई का साधन ना हो और घर में से कोई इस प्रकार की सहायता ना मिल रही हो, तो बड़ी समस्या रहती है। इवन कि हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां भी उनका इंश्योरेंस नहीं करती। तो प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी सौगात दी है 70 साल से उम्र के ज़्यादा लोगों को कि उनका आयुष्मान कार्ड बना करके मुफ्त में साल का 5 लाख रुपये का जो इलाज है वो मुफ्त में होगा। ये बहुत बड़ी सौगात है। देश विश्व में ऐसी योजना कहीं नहीं है कि वो लगभग आधी से ज्यादा देश की जनता को आयुष्मान का लाभ दे रही है। मेरे विचार से ये बहुत बड़ा बिंदु है। आपको क्या चीज जो है इस मैनिफेस्टो में, ऐसा क्या वो की पॉइंट है जो मतदाताओं को सबसे ज्यादा इफेक्ट करे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पिछले 10 साल में भी हमने देखने को मिली है कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको नौकरी बिल्कुल फेयर और बिना खर्ची पर्ची के मिल रही है। पहले हमें नौकरी देखने में मिलती थी कि बहुत बड़े बड़े घराने को नौकरियां मिलती थी, बहुत बड़े बड़े लोगों को नौकरियां मिलती थी। अब एक हमारे गांव के हमारे एक धोबी नाई भाई को सब वर्गों को नौकरियां मिल रही है, सब वर्गों के बच्चे नौकरियों पे लग रहे हैं। ये हमारे लिए एक उत्साह पैदा करता है कि हमारे बच्चे, हम लोग भी इस राज्य में नौकरी पा सकते हैं, एक अच्छे पद पर पहुँच सकते हैं, हम लोग भी HCS IAS एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं। वो इसी राज्य में संभव है, और किसी राज्य में आज तक ऐसा संभव ही नहीं था कि एक गरीब का बच्चा नौकरी लग सकता है। तो और भी कई चीजें हैं, महिलाओं के लिए काफी जिक्र किया गया है, साथ साथ युवाओं के लिए भी जिक्र हुआ है इस मैनिफेस्टो में। आपको क्या लगता है कि क्या चीज है जो इम्पैक्ट करेगी? देखिए जी, जो युवा आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस का शासन था या अन्य पार्टियों का शासन था, जो युवा ये सोच चुका था कि मैं पढ़ के नौकरी पा सकता हूँ, युवा क्या करता था कि सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों को एक ही बात बोलता था कि किल्ला बेचना पड़ेगा और फिर नौकरी मिलेगी। लेकिन हरियाणा ने इस बात पे इतिहास रचा है कि जो हरियाणा में बिना खर्ची बिना पर्ची में नौकरी मिली है, वो हरियाणा का इतिहास, पूरे भारत में आज इतिहास बन चुका है। और युवा पढ़ने की ओर आगे बढ़ रहा है और स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको लगता है कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ और रोजगार पा सकता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के राज में पा सकता हूँ। तो बीजेपी ने अपने इस मैनिफेस्टो में किसान का भी जिक्र किया है और हरियाणा के किसान को जो है एक कॉपी जो है सौंपी गई है, उसको किस तरह देखते हैं? क्या ये नाराजगी थी, उसको दूर करने का प्रयास? किसान के बात में हम अगर बात करें कि किसान की कोई भी ऐसी नाराजगी नहीं है। ये ऐसा 10 साल का समय रहा है, सन 2014 में 1200 रुपये क्विंटल, आज 10 ही साल को 70 साल लगे 1200 रुपये लेके आने में। हम बीजेपी सरकार को 10 साल में वो 1200 से लेकर कब 1000 रुपया बढ़ा दिया, आज 1200 रुपये के नाम गया। तो ये किसान हितैषी सरकार हुई ना, 10 साल में 1000 रुपये बढ़ा दिया, और कांग्रेस को 70 साल लगे 1000 रुपये की आने के लिए। बीजेपी ने मैनिफेस्टो के माध्यम से के 4 वर्गों में, जिनमें महिला, युवा, किसान और गरीब, सभी को साधने का प्रयास किया और सभी के लिए कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर रखे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से बीजेपी अपने इस संकल्प पत्र के माध्यम से एक बार फिर वही दावा दोहरा रही है कि अब की बार उनका जो लक्ष्य है वो 400 पार होगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।